चुड़ैल का जादुई गुब्बारा। रामपुर गांव में एक औरत रोजाना गुब्बारे बेचने आया करती थी। उसके पास काफी रंग बिरंगे और चित्र वाले गुब्बारे हुआ करते थे, जिसे देखकर बच्चे उसके प्रति बहुत ही ज्यादा आकर्षित हुआ करते थे। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे, रंग बिरंगे कार्टून वाले गुब्बारे, आओ बच्चों आओ, रंग बिरंगे गुब्बारे ले जाओ। अरे ये गुब्बारे कितने प्यारे हैं, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। घर जाकर, मम्मी मम्मी पैसे दे दो ना, गुब्बारे वाली आंटी आई है। कोई पैसे नहीं है मेरे पास, जा ऐसे ही खेल। वहीं कीर्ति की मम्मी के मना करने पर वो बहुत ही ज्यादा उदास होकर गुब्बारे वाली के पास जाती है। क्या हुआ, पैसे नहीं मिले मम्मी से? ओ सो सैड, ये लो। लेकिन डोंट वरी, ये मेरी तरफ से फ्री में। वहीं कीर्ति गुब्बारे लेकर बहुत खुश हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन कुछ ही दूर जाने पर गुब्बारा कीर्ति को लेकर हवा में उड़ने लगता है और वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अरे ये क्या हो रहा है, कोई बचाओ मुझे, ये गुब्बारा मुझे कहाँ ले जा रहा है। ऐसे ही गुब्बारा उड़ते उड़ते कीर्ति को एक गुफा में ले जाता है और वहीं गुफा में कीर्ति कुछ ऐसा देख लेती है कि वो तुरंत ही बेहोश हो जाती है। ऐसे ही अब रोजाना गांव में वो औरत आती है और बच्चों को फ्री का गुब्बारा देकर गायब हो जाती है। वहीं गांव में अचानक से बच्चे लापता होता देखकर सभी गांव वाले बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। उड़ी बाबा, ये सारे बच्चे किधर गए, गांव बड़ा खाली खाली सा लग रहा है। पता नहीं कैसे अचानक से बच्चे गायब होने लगे हैं गांव में। वहीं उस गुफा में जब सभी बच्चों को होश आता है तो वो अपने आप को एक पिंजड़े में कैद पाते हैं। वहीं सामने एक चुड़ैल बैठकर जानवरों का मांस खा रही होती है। तो तुम बच्चे को होश आ गया? अब मैं इसी तरह एक एक करके तुमको खाऊंगी। लेकिन आप ऐसा क्यों करना चाहती हो? हाँ, हम बच्चे तो दिल के सच्चे होते ना। हम मम्मी कहती हैं कि अच्छे लोगों का कभी बुरा नहीं होता। अच्छा, ऐसा कहती है तुम्हारी मम्मी, लेकिन मैं तो अच्छी थी, तो मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? क्या हुआ आपके साथ? मैं जब जिंदा थी तो मैं अपने बच्चे के साथ इस गांव में रहा करती थी। एक बार मैंने सुना था कि गांव में भेष बदल कर बच्चा पकड़ने वाला आता है और मैं अकेले कमाने वाली अपने बेटे को समझा कर काम पर चली गई। वहीं मेरी गैर मौजूदगी में बच्चा किडनैप करने वाले ने गुब्बारे वाले का भेष बदल कर आकर मेरे बेटे को गुब्बारे का लालच देकर उसे किडनैप कर लिया। वहीं पुलिस में कंप्लेन करने पर भी कुछ नहीं हुआ और 2 हफ्ते बाद मुझे मेरे बेटे की लाश नदी किनारे मिली, जिस कारण मैंने भी नदी में कूद कर अपनी जान दे दी। लेकिन मेरा नसीब इतना खराब कि मुझे मोक्ष भी नसीब नहीं हुआ और मैं चुड़ैल बन गई। तब से मैंने ये प्रण लिया कि मैं इस गांव में एक भी बच्चा जीवित नहीं रहने दूंगी। अब तुम सब मरोगे। लेकिन इसमें गांव वालों की तो कोई गलती नहीं है चुड़ैल जी, आप बुरी नहीं हो, आप तो अच्छी चुड़ैल हो और अच्छे लोग किसी का बुरा नहीं करते। वहीं सभी बच्चों के समझाने के बाद चुड़ैल मान जाती है और वो देव, कीर्ति, जिग्नेश और रिंकी को लाकर गांव में वापस छोड़ देती है, जिसके बाद सभी गांव वाले मिलकर जीना चुड़ैल के बेटे के कातिल का पता लगवाते हैं और उसे इंसाफ दिलाते हैं, जिसके बाद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।